Namaskaram. Greetings from Setu Chakra. In this video, I'm going to tell about the early Pandya dynasty, which was one of the important dynasties ruling in the area of South India. It is important to know first that who were Pandyas, which region of India they were ruling, and what was the time period in which they were ruling. पांडे के बारे में जो इतिहास के स्रोतों से पता चलता है कि ये उन तीन भाइयों के वंशज हैं जिन्होंने आगे चलकर के तमिल के क्षेत्र में भारत में तीन राजवंशों की स्थापना की, जिसमें से एक पांडे राजवंश भी था. चोर एंड चेर वर द अदर टू डायनेस्टी. द पांडे डायनेस्टी वॉज रूलिंग इन द एरिया विच वॉज द सदर्न एक्सट्रीम पार्ट ऑफ इंडिया. जब हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो सदर्न एक्सट्रीम पार्ट है उसको देखेंगे तो वो पांडे डायनेस्टी का क्षेत्र था जहां पे वो रूल कर रहे थे. इसका कैपिटल मदुरई था. इट वाज एन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एंड कमर्शियल सेंटर. लेकिन कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे तो मच मोर इम्पोर्टेंट कंपेयर्ड टू मदुरई वाज अनदर सिटी एंड दैट वाज कोरकर. इट वाज मोर इम्पोर्टेंट देन मदुरई बिकॉज ऑफ बीइंग अ पोर्ट सिटी. It was on the coastal line, situated on the coastal line, और ताम्रपर्णी रिवर के मुहाने पर ये स्थित थी. यहाँ पे मैप के द्वारा मैंने समझाया. यहाँ आप देखेंगे साउथ इंडिया का जो सर्दर्न मोस्ट टिप है वहां पे ये पांडे डायनेस्टी है. इसके अलावा हम यहाँ पे चोर डायनेस्टी और चेर डायनेस्टी देख रहे हैं, और जिसके शासक के बारे में कहा जाता है कि ये तीनों भाई थे, तीनों डायनेस्टीज के जो फाउंडर्स थे. उसके बाद हम मदुरई देख रहे हैं. दिस इज मदुरई और ये कैपिटल सिटी था. और कोरकई ये देखिए ये पोर्ट सिटी है विच वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेड एंड कमर्शियल सेंटर. और ये ताम्रपर्णी रिवर है. तो पांडे डायनेस्टी जो है वो अपनी प्राचीनता के लिए जानी जाती है क्योंकि इसके रिकॉर्ड हमें संगम टाइम पीरियड में मिलते हैं. बहुत सारे इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट में जैसे अर्थशास्त्र अष्टाध्यायी है इन सब में भी हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है. अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने जेमोलॉजी पर ही अलग से एक चैप्टर लिखा है, और जब उसमें उन्होंने जेम्स की जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी बताई है उसमें उन्होंने पांडे कबूतक नाम का भी एक खास तरह का मोती बताया है जो पांडे टेरिटरी में ही मिलता था. इसी वजह से इसको पांडे कबूतक कहा जाता था. तो इसके कमर्शियल इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा था. अशोक की इंस्क्रिप्शन से भी हमें इसके रिकॉर्ड मिलते हैं एज एन इंडिपेंडेंट डायनेस्टी. बट वी डोंट हैव मच about this dynasty in the records, and we don't know much about the rulers of the early Pandya dynasty. Pandya dynasty ko jab hum dekhenge to ye teen alag alag samay kaal mein ubhar ke aayi, jiski wajah se hum teen tarah ki dynasty ko dekhte hain. Ek early Pandya dynasty jiske bare mein humne abhi jana jo sangam age mein thi aur jiske bare mein hame zyada jankari rulers ki nahi hai. Dusri Pandya first Pandya dynasty empire ke naam se jani jati hai jo ki 6th shatabdi mein ubhar karke aayi aur iske founder कार्डुनगोन थे. और ये डायनेस्टी कंटिन्यू हुई 10th सेंचुरी तक. 10th सेंचुरी के एंड में चोल डायनेस्टी उभर करके आ गई है. चोल डायनेस्टी एनेक्स्ड द होल टेरिटरी ऑफ पांडे एम्पायर एंड इट कंटिन्यूड टू रूल ऑन दिस पांडे टेरिटरी फॉर मोर देन 2 सेंचुरी. इट वाज ओनली इन द 13th सेंचुरी दैट वन ऑफ द रूलर ऑफ पांडे डायनेस्टी सुंदर पांडे डिफीटेड चोलास एंड ही डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एंड दैट्स हाउ ही कम टू एस्टैब्लिश द सेकंड पांडे एम्पायर. इस तरह से तीन अलग अलग टाइम पीरियड में हम ये तीन इस डायनेस्टी के तीन एम्पायर देख रहे हैं. नाउ हियर आई विल हैव अ रिफ्लेक्शन स्पॉट. इन रिफ्लेक्शन स्पॉट आई विल बी आस्किंग वन क्वेश्चन एंड द पर्पस इज टू प्रमोट लर्नर इंटरेक्शन एंड टू स्टे कनेक्टेड विद द लर्नर टू प्रमोट एक्टिव लर्निंग एंड यू विल ऑल्सो गेट रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट यू हैव गॉन थ्रू इन दिस वीडियो. द क्वेश्चन इज Name the dynasty of South that was contemporary of both early Pandya during the Sangam period and first Pandya Empire. दक्षिण भारत के उस राजवंश का नाम बताइए जो दोनों पांडे एम्पायर के समकालीन थी, जो संगम पीरियड का पांडे एम्पायर था उसके भी और जो फर्स्ट पांडे एम्पायर था जो 6th सेंचुरी में उभरा उसके भी. Pause the video, think over the answer. Once you are done, you can play it again. Yes. You're right. The right answer is Chol dynasty. Chol dynasty को हम दोनों time period में देखेंगे. First Pandya Empire में हम इसको later time period में Chol dynasty को देखते हैं. So this is all about the early Pandya Empire. In the next video, I'll be talking about the first Pandya Empire.